सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का हाल बेहाल है। आए दिन सरकारी स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बागेश्वर डीएम ने जुनैल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने एक शिक्षक की तरह बच्चों की क्लास ली। डीएम ने साथ ही विद्यालय में शौचालय के साथ कई अव्यवस्थाओं पर मौके पर मौजूद कर्मचारियों की फटकार लगाई और सीआरसी और उपखंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिलाड़ी जारती का इंस्पेक्शन किया तो वहाँ पे बच्चों की संख्या 19 है और बच्चे उपस्थित भी हैं, लेकिन यहाँ पे अभी MDM बनना स्टार्ट नहीं हुआ था और यहाँ पे जो शौचालय है वो बिल्कुल भी डिफंक्ट टाइप का पड़ा हुआ है और टीचर द्वारा बताया गया, इसकी रिपोर्टिंग भी उन्होंने CRC और उप शिक्षा अधिकारी को करी है, किंतु अभी तक शौचालय वो अच्छी स्थिति में नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने संबंधित CRC और उप शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकते हुए उनका स्पष्टीकरण कॉल किया है कि इतनी बड़ी लापरवाही उनके द्वारा क्यों की जा रही है। चूँकि ये दूर दराज का स्कूल है तो इन पे और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है ये लोग बहुत ही ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो इनको प्रतिकूल प्रविष्टि भी प्रदान की जा सकती है। वहीं डीएम ने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूलों को 2 कंप्यूटर देने की स्वीकृति भी दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।